सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले में पारिवारिक कलह के चलते एक विवाहिता ने जहर पीकर खुद की जीवन लीला समाप्त करने का मामला प्रकाश में आया है। परिजन का आरोप है कि उसके पति ने ही उसे जबरन जहर पिलाया है। दरअसल पूजा नामक महिला का विवाह 2015 में बामंदा निवासी भीम पवार से हुआ था, जिसकी दो छोटी छोटी लड़कियां हैं। वहीं भीम निजी कॉलेज कर्मचारी है। मामला ग्राम बामंदा का है। जब विवाहिता को जिला अस्पताल लाया गया और पता चला कि उसने जहर पिया है, जिसे लेकर लड़की के पिता ने उसके पति भीम पर आरोप लगाते हुए इस बात का खुलासा किया कि मेरी बेटी को शादी के बाद लगातार प्रताड़ित किया गया और उसे जहर पिला दिया। वहीं आरोप से दरकिनार होते हुए मृतिका के पति ने खुद को बेकसूर बताया है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि दो फूल जैसी बच्चियों को छोड़कर आखिर पूजा ने किन कारणों से मौत को गले लगाया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आप गांव के सरपंच हैं और आप यहां पहुंचे हैं, हाँ भाई, क्या लगता है कि लड़के का व्यवहार कैसा है, परिवार का व्यवहार कैसा है? यार हमारे बीच में तो उसने करीब 35 साल की उम्र गुजारी, पर हमको जैसा कभी कहीं महसूस नहीं हुआ कि भाई उसके व्यवहार में कोई खराबी हो या कोई पति पत्नी में हमारे सामने झगड़ा हुआ हो। परिजन लड़की परिजन आरोप लगा रहे हैं, अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। अपन ने तो कोई देखा ही नहीं, मैं तो शाम को आया, इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, लड़की के पिता भी अपने मित्र हैं, तो रात भर से हम तो यहीं बैठ के वेट कर रहे हैं। अब सत्यता तो लड़की ने शायद बयान भी दिए हैं दवाखाने में आने के बाद में, पर अब क्या दिए ये अपने को मालूम नहीं। लड़की घर से मोटरसाइकिल से आई थी, बाइक से उसको लाए थे, बाइक से लेके यहाँ उसको भर्ती किया। घटना शाम 4 बजे की थी, परिजनों को 7 बजे की सूचना दी। 7 बजे यहाँ तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद में सूचना दी, जैसे ही 4 बजे से घर परिजन पी लिया था तो सूचना जब गई। मैं तुम बताऊँ जैसे अब उनका हुआ क्या, ये तो अपने को मैं भी कल बाहर गांव गया हुआ था, पर जैसे बच्ची की तबीयत खराब हुई, परिजन पिया है कि तबीयत खराब हुई है ये तो उसने बयान दिया। उस पर मोटरसाइकिल से लाए, पीछे बैठ के लड़की आई, अकेली बैठ के, हाँ अकेली बैठ के आई। उसके बाद में दवाखाने में आके डॉक्टर साहब से बात करी उसने, ये मेरे को तो नहीं मालूम, पर बयान लिए हैं कोई, डॉक्टर साहब ने लिए हो या चौकी से लिए हो, वो चौकी वाले बताए, अपन यहाँ थे तो ही नहीं अपने मालूम। मामला भी है, बोले पत्नी ने आपकी कीटनाशक पिया है। हाँ सर बिल्कुल पिया है उन्होंने कीटनाशक। बात ये हुई थी सर कि घर पे जैसे कि मैं पापा को पैरालिसिस अटैक है, वो कुछ चल फिर नहीं सकते, मम्मी बाहर गए हुए थे, मैं दोनों बच्चों को लेकर थे और मैं क्या मेरे बच्चे की फीस भरने गया था उस टाइम पर। कहाँ पर? बामंदी में, संकल्प बेगट में। वहाँ से फिर मैं आया, जैसे तो जैसे आते देखा तो ये दवा पी हुई थी, तो मैंने उसको बोला मैं क्यों दवा पी ली तूने, तो बोले कि जैसे चिड़चिड़ापन कर रही थी, नहीं पी न पी ली है न थोड़ा छिड़काव किया है, तो मैंने कहा जैसे मेरे को पता चला तो मैंने उल्टा उसको करवाई और डायरेक्टली मैं यहाँ पे उसको लेके आया जिला अस्पताल। तो आपको कैसे पता चला कि उन्होंने पॉइजन पी लिया? वो उसको क्या है कि स्मेल भी आ रही थी सर, स्मेल भी आ रही थी, और फिर क्या है कि उसने ऐसा बोला, हाँ भी बोल रही थी ना भी बोल रही थी, मैंने पिया है नहीं पिया है, वो चिड़चिड़ा टाइप के व्यवहार कर रहे थे। कौन सी दवाई पी? ये सर टॉनिक पिया था, टॉनिक पिया है। कौन सा टॉनिक? जो आता है बाटल वाटल मिली कुछ? बाटल एक मिली थी कमरे में, हाँ क्योंकि हम दवाई छिड़काव करते हैं खेत में तो वहाँ पर रख देते हैं। क्या कारण क्या बताया पीने का? कारण कुछ नहीं ऐसा बताया, बोले कि बस ऐसे ही गुस्से गुस्से में पी लिया, ऐसे चिड़चिड़ा अपन व्यवहार कर रही थी। किस चीज़ का गुस्सा, किस चीज़ का था? आपके आपस में आपकी कुछ हुई थी क्या? नहीं मेरी अनबन, अरे यार साजिद, मेरी अनबन अभी तक उससे हुई नहीं है, क्योंकि सभी को पता है अड़ोस पड़ोस में हमारा व्यवहार इतना बढ़िया रहता है, तो पता नहीं किस बात से वो अचानक चिड़चिड़ापन उसको किया, कभी कभी वो बीच बीच में करने लग जाती थी सर। थोड़ा परिजनों का आरोप भी है कि डेट की मांग और प्रताड़ित मारपीट भी करते थे बोले। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्रताड़ित ने अभी तक किया है, क्योंकि बिल्कुल हम आप हमारे गांव से अड़ोस पड़ोस से बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कभी हमने प्रताड़ित नहीं किया है सर। क्या शुभ नाम आपका? भीम पवार। ये क्या मामला है जिसमें मारपीट की गई आपकी बेटी के साथ में? सर मेरी बच्ची की जब से शादी हुई है, जब से वो दहेज प्रथा के लिए मांग रखता था, और सोने का दौरा होना, अंगूठी होना, और उसके बाद में मारपीट भी करता था, और मानसिक कहा उन्होंने कहा मेरी बच्ची को मतलब मारता था, दहेज के लिए भी पैसे भी मांगना, सोने के दौरान दिया तेरे बाप ने, अंगूठी नहीं दी,
और इसकी माँ बोलती थी कि भुक्कड़ घर की आ गई मेरे घर, तेरे घर से क्या लाई, सोफा पलंग लाई नहीं, ये लाई नहीं, वो लाई नहीं, और कदे जाने आने दे नहीं। और मार्केट में परसों मार्केट में मतलब कसरावत कपड़ा मार्केट में मेरी बच्ची को मारा 2:30 पे। मेरी बहन के लड़की की शादी थी तो वो कपड़े लेने गए थे, वहाँ पे उनका वीडियो भी है, वहाँ पे दुकान पे बना हुआ भरा हुआ, अभी लाए नहीं हम। शादी कितने साल हो गए? शादी को 4.5 साल हो गए सर, 2015 में हुई थी। कितने बच्चे? 2 बच्चियाँ हैं सर। कितने बार मार्केट की घटना हुई? ऐसी तो मतलब सर वो हमेशा करता रहता है, पर अपन सोचते सर अपनी बच्ची को क्या परेशान करें यार, अपन लाएंगे इधर उधर, बच्चियाँ छोटी छोटी है, अपन उनको घर ले आएंगे तो वो उनका क्या होगा, इसलिए मतलब अपन ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा। घर पे भी आए तो सर वो खुद ले रखने आए ना, वापस उसके साथ में ले जाए, मतलब हमारी कोई इमेज नहीं कि यहाँ रहने दे, वो रहने दे तो मेरे घर से मेरे पापा के घर नहीं जान दे। लड़के का क्या रोजगार है? लड़का GIT में प्रोफेसर है, बोल रहा हूँ GIT बोल रहा हूँ। क्या नाम? भीम पवार। कौन से विषय का प्रोफेसर है? वो मोटरसाइकिलें सुधारते ना, उसको क्या कहते हैं, वो मैकेनिकल पढ़ाता है वहाँ पे। हाँ, वो इंजन कैसे बनते हैं, वो स्क्रू भी है, वो सब सिखाते, और क्या मैकेनिकल है। ऐसा पढ़ा लिखा लड़का भी दहेज की मांग करता है? हाँ। आप क्या चाहते हो? आप मैं भारू समाज का हूँ। आप क्या चाहते, क्या हो? अब क्या चाह, आरोपी को कुछ भी सजा दिलवा दो, और क्या, आप क्या समूह में। अब मेरी बच्ची तो गई साहब मेरे से। क्या शुभ नाम आपका? दशरथ घोष। ये एक मामला बताया जा रहा है नवविवाहिता। अच्छा, क्या प्रकरण है? प्रकरण देखो, उसको कहीं किसी भी, जैसे बता रहे हो कि प्रताड़ी, ऐसा कुछ प्रताड़ी किसी भी प्रकार से किया नहीं है। हमारे शादी को 5 से 6 साल हो चुके, बढ़िया लाइफ हमारी चल रही थी, लेकिन क्या है कि अभी कल के बाद जो है घर पे कोई नहीं। उस टाइम पे था, मेरे पापा थे वो पैरालिसिस अटैक में थे, तो वो कुछ देख भी नहीं पाते और चल भी नहीं पाते, वो बैठे हुए थे। बाकी मेरे मम्मी जो थी, मेरे दोनों बच्चों को लेकर के बाहर चले गए थे दूसरे, क्योंकि वो रोती रहती है। अभी खाना बना, 4:30-4:30 की बात है, खाना उस टाइम पे बना रही थी। तो जैसे मैं गया घर पे तो देखा तो वो कुछ स्मेल भी आ रही थी, और वो बोल रही थी कि मैंने पी ली है दवाई। मैंने ऐसे क्यों, क्या कारण हो गया कि पी ली? तो बस ऐसे चिड़चिड़ापन व्यवहार कर थोड़ी देर में बोले कि नहीं मैंने छिड़काव किया है, ये उसके कारण हो गई है। थोड़ी देर में बोले कि नहीं थोड़ी सी एक ढक्कन मैंने पी ली है। और वो जो दवाई जो रहती है ना सर, हाँ, सभी किसान के यहाँ पे अवेलेबल रहती है, तो हमारे यहाँ पे भी वो रखी हुई थी जो खेत में से बचाई हुई रहती है थोड़ी थोड़ी। तो उसने पता नहीं किस कारण से, या तो ये नहीं बता सकते क्या उसको दिक्कत थी। आपके इतने 4 साल हो गए, 5 साल हो गए शादी के, बीच में कोई अनबन हुई क्या कभी? नहीं सर, अभी ऐसा तो कुछ मैटर नहीं हुआ था कि जिसके कारण इतना उसको कुछ करना पड़े। ये बात होती रहती कुछ भी कि जाने के लिए कि चलो घूमने फिरने ले चलो, ये करो वो करो, बाकी ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी बात आ जाए हमारे बीच। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि आपने दवाई पिला दी उसको मारता नहीं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि वहाँ पे मैं उपस्थित था ही नहीं उस टाइम पे। रविवार को आपने मारपीट की थी सरे बाजार कसरावत में? जी बिल्कुल, मैंने कसरावत मार्केट में नहीं, जो वस्त्रम शोरूम जो है सर, वहाँ पे क्या हुआ था कि मेरी बालिका एक छोटी सी जो है जो 1.5 साल की है, वो सीढ़ियों पर गिरने वाली थी, और मैं बिल जो कटवा रहा था, बिल पे करवा रहा था, तो उसने ध्यान नहीं दिया उसको, तो गिरने वाली थी, तो मैं उठा के लाया और उसको एक चाटा मैंने मारा कि वे बच्ची का थोड़ा ध्यान रखो, मैं तो इधर ये कर रहा हूँ, ज़्यादा देर में कुछ उसको अगर हो गया एक्सीडेंट तो क्या होगा। उसके अलावा कुछ नहीं कि मारपीट कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं किया था, और बिल्कुल वहाँ का सीसीटीवी। आपकी मारपीट से हो सकता है कि वो इतनी आहत हुई हो और उसकी बेइज्जती महसूस हो उसने? नहीं नहीं, ता तो नहीं, वो अगर ऐसा रहता तो वो मेरे साथ शाम को वैसे व्यवहार करती, लड़ाई झगड़ा करती मेरे से, लेकिन वो कुछ नॉर्मल, पूरी नॉर्मल हो गई थी। यस सर, उसने मन में गांठ बांध ली और आपसे प्रतिशोध ले लिया? नहीं नहीं, ऐसा तो सर देखो, ऐसा तो होता रहता था कि बाकी ऐसा उसने, ये अगर ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल मुझे बता देते कि मेरे से बात मत करना है, कि अब हमें जाना चाहते मेरे माँ बाप के यहाँ पे। सब्र का बांध उसका टूट चुका था। कैसा सर? आपने ज़्यादा मारपीट की थी पहले भी कभी? नहीं सर, मैंने उसको मारपीट की नहीं थी, कभी नहीं की। केक वगैरह की मांग करते थे? यस सर।
दहेज के भी आरोप लगाए? नहीं सर, दहेज के मैंने कभी कभी नहीं आरोप लगाया है, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि बस आपकी लड़की चाहिए, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। और अभी तक उनको, वो तो पूरे सर मेरे जितना भी गांव है, जितना भी मेरे अड़ोस पड़ोस है, उनको सभी को इस बार की जानकारी कि इतने बढ़िया से रहते थे हम लोग। दहेज के प्रति हमने डायरेक्टली उनको बोल दिया था कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, और अभी तक तो कोई दहेज दिया भी नहीं और हमने लिया भी नहीं। एक बार वो बर्तन भी दे रहे थे तो उनको वापस हमने लौटा दिया, मतलब नहीं कुछ बर्तन भी नहीं चाहिए हमको, हम ले लेंगे। पायजन पीने के बाद आप वहाँ से उनको किस वाहन में लेकर आए? जैसे पायजन पिया कि नहीं, तो सर मैंने दोस्तों को कॉल किया कि यार ऐसी सी बात, ये बता रहे कि पायजन का है, खुशबू भी आ रही है उसको, स्मेल वगैरह आ रही है। तो दोस्त मेरे जो खुद सीडान मेरी बाइक जो है होंडा लिवो बाइक से, वो कंडीशन बहुत मतलब बढ़िया कंडीशन थी। उसने बकायदा बोला मैं तो बैठ जाएगी, बोले नहीं तुम्हें गाड़ी करो, बोले नहीं बैठ जाऊंगी। तो मेरा दोस्त आगे बाइक चला रहा, तो मैं बीच में बैठा था और पीछे की साइड वो बैठी हुई थी। आप चाहे तो जिला चिकित्सालय का यहाँ का कैमरा भी चेक करवा सकते हैं। पूरी नॉर्मल कंडीशन में थी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि उसको कुछ हो सकता है। यहाँ कितने बजे आप आए थे सर? यहाँ पे मैं 4:30 के या 5 के समथिंग आ गया था। डेट कब हुई? डेट 6 के समथिंग हो गई। पुलिस को कोई बयान वगैरह दिए क्या वहाँ? पुलिस को तो बाद में तो कुछ नहीं दिया। कुछ बयान दिए क्या पुलिस को? कुछ घटना बताई उन्होंने, पूछा था क्या? नहीं, स्टार्टिंग में लाए थे तो यहाँ एडमिट किया था, उन्होंने बताया था कि मेरे को छिड़काव वगैरह किया दवाई का, ऐसा मैंने जो भी सामने क्लियर बताया था उसको छिड़काव का बोला था कि मैंने छिड़काव किया था, थोड़ा सा ये हो गया था सर, बाकी ज़्यादा मैंने पी नहीं है, ऐसा कुछ बोला था उसने। क्या नाम है आपका? भीम। क्या भीम पवार? भीम पवार। क्या करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ सर। कहाँ पर? मैं जेआईटी में, जेआईटी कॉलेज बोरावा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।